दोस्तों, अगर आप वीवो का स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने वीवो के फोन में बिल्कुल फ्री में फॉन्ट स्टाइल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और अपने मनपसंद के स्टाइलिश फॉन्ट वहां पे यूज कर सकते हैं। और ना सिर्फ वीवो के फोन में, आप जिस किसी भी कंपनी का फोन यहाँ पे यूज करते हैं उसमें आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पे स्टाइलिश फॉन्ट को एड कर पाएंगे। वीवो का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप वीवो यूजर है तो आपको पता ही होगा कि जैसे चलिए मैं आपको थीम वाले ऑप्शन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो लोकल वाला ऑप्शन होता है, इसमें जाने के बाद आपको जो लोकल फॉन्ट मिलते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही फॉन्ट देखने को मिलते हैं डिफॉल्ट में, और तीसरा फॉन्ट अगर आप यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर अपनी पसंद का स्टाइलिश फॉन्ट किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए मैं आपको उसको ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे आप इसको फर्स्ट बार ओपन करेंगे आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, उन परमिशन को आपको यहां पे अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको काफी तरह के कलर फॉन्ट देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको इमोजी फॉन्ट देखने को मिल रहे हैं, और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक स्टाइलिश का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको सी ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारे स्टाइलिश फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें से जिस किसी भी फॉन्ट को आप यूज करना चाहते हैं उसको बिल्कुल फ्री में अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उस फॉन्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि 18 नंबर का जो फॉन्ट है, अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो इसको मुझे टैप करना होगा, और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। आपको सिंपली डाउनलोड वाले बटन पे टैप करके इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलेगा, आपको सिंपली अप्लाई वाले बटन पे टैप कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पे टैप करेंगे आपके सामने इस तरह का पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको कांग्रेचुलेशन लिखा दिखेगा, और नीचे आपको डन और चेंज फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको चेंज फॉन्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपके वीवो के फोन में जो आई थीम वाला एप्लीकेशन होता है उसके अंदर ले जाएगा। तो यहां पर आपको लोकल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लोकल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको लोकल फॉन्ट में जाना। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि आपको जो डिफॉल्ट में सिर्फ दो फॉन्ट दिखाई दे रहे थे, अब आपको यहाँ पर डाउनलोडेड फॉन्ट में एक और फॉन्ट आपको देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको इसको यहां से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहां से इसको अप्लाई कर देना है। तो जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे आपके फोन का यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इस फॉन्ट को मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा वही फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पूरे फोन में मेरा वही फॉन्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर आप भी अपनी पसंद का फॉन्ट बिल्कुल फ्री में लगाना चाहते हैं अपने वीवो के स्मार्टफोन में, तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से इजीली लगा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।